ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਸਾਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਿਸਾਨੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਜੋ ਭਿੜੰਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ लाठी चार्ज हुआ, उसमें कई किसान घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। लोगों ने मुझसे कहा और सोशल मीडिया पे अफवाह फैलने लगी कि पंजाब पुलिस किसानों के खिलाफ हो गई है, और लोगों ने कहा कि निशान जी आप पंजाब पुलिस के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे जिन्होंने किसानों पे लाठियां बरसाई और सैकड़ों को घायल किया। तो मैंने सोचा कि पुलिस को ऐसी बर्बरता क्यों करनी पड़ी, थोड़ा इसकी जानकारी बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि पंजाब सरकार, कांग्रेस और यहां तक के पंजाब पुलिस जो है, इंक्लूडिंग जितने भी पंजाबीज हैं, वो किसानों के समर्थन में हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा मोगा में कि जिसकी वजह से जो हमने और आपने वीडियो देखे कि जिसमें लाठी चार्ज हो रहा है, पत्थर चल रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं, मुझे पहले समझ नहीं आया। जिसको हम कहते हैं प्रथम दृष्टिया, मुझे लगा इसमें कुछ तो झोल है, ये कहीं सोने वो आलू में से सोना निकालने वाला कोई गड़बड़ ना हो, कि वीडियो किसी और का और बात किसी और की। मैंने तहकीकात करी, मैंने अंदर तक की जानकारी निकाली और मालूम चला कि जो मोगा में हुआ उसका असली कारण क्या है। और दोस्तों आप जान के चौंक जाएंगे, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल की एक रैली करने मोगा आ रहे थे और किसान जितने भी हैं पंजाब के वो अकाली दल के खिलाफ हैं। कम से कम तीन यूनियन हैं जिनका नाम मुझे मिला, उसके उपरांत भी होंगी, जो उस रैली का विरोध करने के लिए, सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल का विरोध करने के लिए उस स्थल पे इकट्ठा हो रही थी। ये वो सारे किसान यूनियन के, अलग अलग किसान यूनियन के, देखिए मैंने नाम निकाले हैं, मैं नाम आपको बताता हूं। सुखबीर सिंह बादल का प्रोटेस्ट करने के लिए वो कुछ सभा करते हैं जिसका नाम है, एक कोई अच्छा सा उन्होंने नाम रखा है, वो बात और है कि उनकी नियत जो है वो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। तो कई सौ किसान इस गल पंजाब दी जो पोल आउटरीच प्रोग्राम है सुखबीर बादल का, उसका विरोध जताने के लिए मोगा में ये किसान इकट्ठे हुए और इन्होंने वो रास्ते रोक दिए जिससे सुखबीर बादल आने वाला था, खास करके ग्रेन मार्केट का रास्ता रोक दिया, जहां पे कुछ अकाली दल के लोग और उनकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SOI है अकाली दल की, उसके लोग पहले से एकत्रित थे। अब जब किसानों ने उस जगह को घेरा तो अकाली दल के लोगों ने पत्थरबाजी करी इन किसानों पे, और क्योंकि पुलिस वहां पे हाजिर थी तो उन पे भी पत्थरबाजी अकाली दल के लोगों ने की। यह जानकारी मुझे किसान यूनियनों से मिल रही है कि मोगा में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे असली कारण ये अकाली दल के लोग हैं जिन्होंने किसानों पे और पुलिस पे पत्थर चलाए। जो यूनियन है, जो किसान यूनियन है, जो सुखबीर बादल और अकाली दल का विरोध जता रहे थे, उन यूनियंस का नाम है कीर्ति किसान यूनियन, दूसरा नाम है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, एक और नाम है नौजवान भारतीय सभा। ये तीनों ग्रुप
जो किसान यूनियन के हैं, किसानों के हैं, और इनके साथ अन्य लोग भी जो थे, वो अकाली दल के सुखबीर बादल और अकाली दल का विरोध जताने के लिए मोगा में गल पंजाब दी नाम का जो प्रोग्राम सुखबीर को करना था उस स्थल को घेर के खड़े हो गए। और फिर अकाली दल के लोगों ने और स्टूडेंट ऑफ इंडिया SOI जो अकाली दल की पांख है छात्रों की, उन्होंने इन किसानों पर और पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस ने लाठियां भांजी और पत्थर भी चलाए, क्योंकि पत्थर ही आ रहे थे। इसमें एक DSP लेवल का व्यक्ति भी घायल हुआ, कई किसान घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन किसकी वजह से? ये किसानों और पुलिस की मुठभेड़ नहीं थी, ये किसानों और पुलिस का टकराव नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है फिर प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन ये भीड़ में अनियंत्रित करने की साजिश, अनियंत्रित करने का गुनाह अकाली दल ने किया, ये निकल के आ रहा है। और इस बदौलत पुलिस और किसानों में टकराव हुआ। अब कई लोग ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि किसानों पे लाठियां क्यों भांजी? भाई जब किसान प्रोटेस्ट कर रहा था अकाली दल का और सुखबीर बादल का, और जब वहां से पत्थरबाजी आई, तो पुलिस स्वाभाविक सी बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक सी बात है जिस तरफ से पत्थरबाजी आ रही है, जिस तरफ से रेला आ रहा है, उसी के सामने तो पुलिस पड़ेगी। अब उसमें कुछ किसान भी थे और अकाली दल के लोग भी थे और स्टूडेंट ऑफ इंडिया यानी अकाली दल के पांख के लोग भी थे, तो असलियत समझिए कि ये एक गलत चेहरा पंजाब पुलिस का दिखाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अकाली दल ने एक साजिश रची, जिसके तहत जब उन्होंने देखा कि किसानों ने घेर लिया और अब अकाली दल का पूरा विरोध सामने आ चुका है और सुखबीर बादल शायद पहुंच भी नहीं पाएगा, तब अकालियों ने पत्थरबाजी करी, किसानों को मारा और पुलिस वालों को मारा, और बदले में हुई लाठी चार्ज और पत्थरबाजी। यह है सच्चाई पंजाब में, जो आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग जो झूठ फैला रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने किसानों पे लाठी भांजी, गलत है। असलियत यह है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मात्र 1.5% रह गया है, 5 सीटें भी नहीं आएंगी, इसलिए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अकाली दल, जिस तरह आपने पंचायती चुनावों में देखा, पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो गया है, उड़ गया है पंजाब से। मात्र 5 सीटें भी आ जाएं, 6 आ जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी 0 पे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बचा वो कांग्रेस के पाले में जा रहा है। और इस बात से तकलीफ में आकर के किसान, जिसको साथ दे रही है कांग्रेस और पंजाब सरकार, उनके सामने गलत एक पिक्चर दिखाने की कोशिश में अकाली दल फंस गया है। मान के चलिए, मेरे पास FIR की कॉपी भी है, मेरे पास वहां से मिली पूरी जानकारी भी है, मेरे पास वक्तव्य है इन किसान यूनियन के लीडर्स के, जिसमें साफ हो जाता है कि ये अकाली दल की साजिश थी कि किसी तरीके से वहां की सरकार का बुरा दिखाया जाए। माफ कीजिएगा अकाली दल, आप फिर फेल हुए और अब आप दोबारा पंजाब में शायद कभी सरकार ना बना पाए, इसलिए ऐसे हथकंडे आप अपनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हर किसान जो इस वीडियो को देख रहा है, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी किसानों को पता चले कि असलियत यह है कि अकाली दल की साजिश, इस वजह से हुआ मोगा में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी। ये अकाली दल है जो गुमराह करने की फिर कोशिश कर रहा है। मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन करने की बात नहीं करूंगा, लेकिन अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा सच के साथ आप मतदान करें और ऐसे झूठों को, इनकी असलियत दिखाएं,
कि तुम्हारी तो 5 सीट भी नहीं आती। और यही होगा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो भी तनाव दिखा आप लोगों का, क्या उसका हर्जाना कांग्रेस को भरना पड़ेगा? ये मीडिया आपको जो दिखाता है उस हिसाब से आप चलते हैं। देखिए कितने दिन हो गए, कहीं से कोई आवाज नहीं है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में कोई तनाव हो। उलट ये होगा कि 57% से ज्यादा जो सिख जट वोट है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कुलजीत सिंह नागरा फुल टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट और नवजोत सिंह सिद्धू, जो तीनों सिख जट हैं, ये सारा का सारा सिख जट वोट ले जाएंगे कांग्रेस के अंदर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जहां तक रही बात अकाली दल की, आप किसान विरोधी थे, इसीलिए अकाली दल ने उस मोदी सरकार में रहते हुए बिल पास करवाए थे और इस वजह से उन्होंने बाद में जब एनडीए का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ा तो वो समझ चुके थे कि पंजाब का किसान उनका साथ छोड़ चुका है। इसलिए अब अकाली दल किसानों पे और पुलिस पे पत्थर बरसाता है। कितने शर्म की बात है। क्या यही सिक्खी ने सिखाया आपको? क्या यही गुरु नानक ने सिखाया अकाली दल आपको? शर्म आनी चाहिए। वैसे शर्म आपको नहीं आएगी, मोदी के पानी का प्याला आप पी चुके हो। खैर, मेरा काम था आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाना। ये किसानों के खिलाफ पंजाब प्रशासन नहीं, अकाली दल है।